आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने हेतु आवश्यकीय वस्तु का वितरण कार्यक्रम कानपुर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कैबिनेट मंत्री सतीश महाना व मंत्री नीलिमा कटियार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 75 आंगनबाड़ी केंद्रों से आई महिलाओं को आंगनबाड़ी से संबंधित आवश्यक वस्तुओं का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने उद्बोधन में राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा संस्थानों को जोड़ने की अनूठी पहल करी है। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उनको सुविधा संपन्न बनाने के लिए जो पहल हुई है वो अभिनंदनीय है। आंगनबाड़ी सामाजिक व्यवस्था की नींव है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश कोरोना को लेकर संकट में था। पूरा देश इस लड़ाई को लड़ रहा है। मृत्यु दर को कम करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने जनता कर्फ्यू लागू होने वाले समय के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी ने कहा था कि कोरोना देश में आ गया है, उससे उत्तर प्रदेश को कैसे बचाएंगे। तब उनको बताया गया कि सभी लोग तैयार है, जिसका नतीजा है कि कोरोना की पहली लहर में हमने डटकर उसका मुकाबला किया। दूसरी लहर आने से वैक्सीन लगवाने का काम किया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर जो कार्य आशा बहुओं ने किया है वो सराहनीय है। थर्ड वेव में भी यह लोग अपना योगदान दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ और उन्हें आज कानपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के साथ उनके न केवल सुदृढ़ीकरण का कार्य सम्पन्न बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। आंगनबाड़ी वास्तव में न्यू है हमारी सामाजिक व्यवस्था की, और मैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। निगरानी समितियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, और अगर हम देखें तो 24 से 25 करोड़ की इस आबादी के बारे में कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति सशंकित था। इस सदी के सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर भारत ने मृत्यु दर को और पॉजिटिविटी रेट को भी नियंत्रित करने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है, लेकिन सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पे थी। मुझे याद है जब 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो जनता कर्फ्यू के उस कार्यक्रम के समापन के साथ ही मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का फोन आया। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने कहा, योगी जी, कोरोना भारत में आ गया है, हम सब चिंतित हैं उत्तर प्रदेश से क्या होगा, इतने बड़े प्रदेश को कैसे बचाएंगे आप। बीसीएन न्यूज के लिए कानपुर से विवेक मिश्रा की रिपोर्ट।